हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा चटपट से इजी क्विक मेकअप लुक। ये मैंने क्रिएट किया है समर के लिए। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टिंग मेकअप है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी। एकदम सिंपल स्टेप फॉलो किया है मैंने। पहले प्राइमर, फिर फाउंडेशन, टोनर अच्छी तरह से लगा लिया है, क्योंकि समर से तो टोनर प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए। बहुत ज़्यादा टोनर लगाइए, इससे आपके मेकअप को लॉन्ग स्टिंग मिलती है। बाकी सब ईजी जो भी अवेलेबल सामान है उसी से मैंने मेकअप किया है, मॉइस्चराइज़र किया है, अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, बिल्कुल भी सिंपल वे से किया है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो घर पे उसी से मॉइस्चराइज कर लीजिए अपने चेहरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लीजिए। जैसे ही ड्राई हो जाता है मॉइस्चराइज़र, मतलब आपके चेहरे ने सोक किया मॉइस्चराइज़र को, तब तक आपको थोड़ा वेट करना है। मैं लिप्स को वैसलीन लगा ले रही हूँ, इसको भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग स्टे लिपस्टिक के लिए। सो अच्छी तरह से इसे मसाज कर लीजिए इस तरह से लिप्स के अंदर। फिर हम करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन स्टिक है, कंसीलर का फाउंडेशन स्टिक है, इसी में लगा लूँगी। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टेइंग है, लोटस का है, बहुत इजी वे है अप्लाई करने के लिए। तो जल्द जल्द से अप्लाई कर लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा बेसिक सामान के साथ मैं मेकअप करूँगी, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। अभी हम आई शेडो लगा लेंगे। ये ऑरेंज जो शेड है उसे मैं ट्रांजिशन की तरह यूज़ करूँगी। उसके बाद डार्क ब्राउन लगाऊंगी एंड देन आई विल अप्लाई सम गोल्डन, शिमरी गोल्डन, मतलब पाउडर आई शेड जो है वही इसी पैलेट से लगाऊंगी। एंड आई मेकअप विल बी प्रेटी सिंपल। उसके ऊपर मैं बेसिक लैक्मे का जो आईलाइनर है उसे लगाऊंगी एंड आई विल बी यूजिंग द शेड ब्राउन दैट आई एम अप्लाइंग ऑन टू माई आई लिड एंड अबव माई आई लिड जो मैं अप्लाई करूँगी उसी कलर को मैं अपने लोअर वाटर लाइन में भी लगा लूँगी। आज काजल नहीं अप्लाई करूँगी, उसी से थोड़ा सा स्मोकी लुक की कोशिश करूंगी। तो ये रहेगा मेरा सिंपल सा आई मेकअप। अभी वेट एन वर्ल्ड का मैं आईब्रो पेंसिल लेके, ब्राउन पेंसिल लेके अपने आईब्रोज बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और हल्के हाथ से अप्लाई करना है, मुझे बिल्कुल ड्रामेटिक आईब्रोज नहीं पसंद है। तो मैं इसे बहुत जितना लाइट हो सके उतने ही लाइट हैंड से अप्लाई कर रही हूँ एंड दैट्स ऑल। उसके बाद जो पीछे वाला जो ब्रश आता है उसके साथ अच्छी तरह से इसे मैं कोम कर ले रही हूँ। कॉन्टोरिंग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक नया कॉन्टोर पैलेट खरीदा है, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ कॉन्टोर। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा कॉन्टोरिंग ज़रूरत है, वैसे ही तो राउंड फेस है मेरा,
तो राउंड फेस से अगर तो कंटूरिंग इज अ मस्ट, प्लीज डोंट अवॉइड इट, कर लीजिए. और अगर फिर भी मन नहीं कर रहा है देन कोई बात नहीं है, यू कैन अवॉइड कंटूरिंग. मैं आप अगर मुझे फॉलो करते हो आप देख सको कि मैं इतना कंटूरिंग वंटूरिंग नहीं करती हूँ एक्चुअली. लाइक राउंड फेस है तो क्या हुआ, राउंड फेसेस भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है देखने में. लेकिन फिर भी अगर आपको एक स्कल्प्टेड लुक चाहिए, मैंने नया पैलेट खरीदा जैसे कि मैं बताया, इसलिए मैं इसे कर रही हूँ, अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप से बता रही हूँ, ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप ब्लेंडिंग. इट्स ब्लशी टाइम राइट नाउ, सो अच्छी तरह से स्माइल करके ब्लश लगाइए. अभी टाइम है हाइलाइटर का, पसीना वाला इफेक्ट. पसीना लाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि शाइनी शाइनी दिखे. आई मेकअप डार्क किया है तो इसीलिए लिपस्टिक बहुत ही लाइट रख रही हूँ. बिल्कुल भी ये न्यू शेड है फ्रॉम नायका, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है, लिप्स को बहुत स्मूथ फील होता है. आप इसे एक बार ट्राई दे सकते हैं, नायका का मैंने मिनी लिपस्टिक खरीदा हुआ है. फाइनल लुक्स के लिए तैयार.